अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो बिज़नेस आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो बताते ख़ुद मैं काम कर रहा हूं, कब से काम कर रहा हूं, वो सारी मालूमात आपको इस वीडियो में दूंगा। समझ लें कि ये वो आइडिया है कि जैसे जैसे मशीन चलेगी, यूँ समझें कि आपके पैसे छप रहे होंगे, और ये हकीकत है। और इसमें जो चीज़ ज़ाया भी हो जाएगी, वो समझ लें कि आपका नुकसान नहीं होगा, वो भी बिकेगा, आप उससे भी पैसा कमाएंगे। तकरीबन 2015 में मैंने ये काम शुरू किया था। कितने सरमाए से किया था वो सारी मालूमात आपको इस वीडियो में दूंगा। और वो कौन सी मशीन है जिससे मैंने चार मशीनें और ख़रीदी, चार मशीनें ख़रीदने के साथ साथ मैंने इससे कौन कौन से मज़ीद काम किए, जिनको मैं साइड बिजनेस का नाम देता हूँ, लेकिन आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये काम शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज भी इस कारोबार को आम तौर पर शुरू करने के लिए जो मशीन दरकार होती है वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन जो मैं आपको आइडिया बताने जा रहा हूँ, वो उसमें कम से कम आपको 15,000 रुपये सरमाए की ज़रूरत पड़ेगी, और जो इसके साथ रॉ मटेरियल यूज़ होगा वो आपको 550 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आप इस मशीन के बदले बड़ी मशीन लगाना चाहेंगे, तो ये मशीन जो आपने 15,000 रुपये में ख़रीदी होगी, ये आपकी फिर भी 15,000 रुपये की बिकेगी। शर्त यह है कि मशीन में किसी किस्म की ख़राबी ना आई हो। कारोबार शुरू करने का जो तरीक़ेकार है वो आपने गौर से सुनना है, और कैसे करना है, इसके लिए कौन सा एरिया ज़्यादा सूटेबल होगा, कौन कौन से अदारे आपके इस कारोबार के ज़्यादा नज़दीक हों, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं कि वो कौन सी मशीन है और आप कैसे कम सरमाए में ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक मौजबाना गुजारिश है कि देखो, पाकिस्तान बिजनेस इंफॉर्मेशन में और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देख के बिजनेस आइडिया ले सकते हैं। तो आइए नाज़रीन वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि देखो पाकिस्तान की वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जी तो नाज़रीन, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर मशीन देख रहे हैं, आपने इसी मशीन से काम शुरू करना है, और ये कम से कम इस वक्त 15,000 रुपये की आपको मिलेगी। लाहौर से आपको ये मशीन मिलेगी। एड्रेस और नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, या स्क्रीन पे आप लोगों को मैं शो कर देता हूँ। ये मशीन 4-in-1 है, जिससे आप फैक्स भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, पेपर्स को स्कैन भी कर सकते हैं, और प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसी एक मशीन से। मसलन के 4-in-1 ये मशीन है, और इससे आप टोटल वो काम ले सकते हैं जो किसी और मशीन में आप नहीं ले सकते। इस मशीन से मैंने काम शुरू किया था, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये काम शुरू करने के लिए आपको वो एरिया देखना पड़ेगा जहाँ बैंक, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर्स, अदालतें, कचहरियाँ पास हों। अगर ये अदारे आपके कारोबार के ज़्यादा करीब होंगे, तो यकीन जानिए कि आपके कारोबार को 4 चांद लग जाएंगे। अगर ये अदारे आपके ज़्यादा करीब नहीं हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। वो सारा तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा कि आप उनको किस तरह आप अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह उनके साथ काम कर सकते हैं, आप उन अदारों से बल्क में काम लेकर काम कर सकते हैं। दुकान का कारोबार जो आपने दुकान पे बैठ के करना है, वो एक आपका अलग साइड बिजनेस होगा, जिसको आप अपने सिर्फ और सिर्फ घर के खर्चे और किचन चलाने के लिए यूज करेंगे। लेकिन जो इन अदारों के साथ आप काम करेंगे, वो टोटल आपकी एक कमेटी होगी, आपकी सेविंग होगी, वही आपका असल बेनिफिट होगा। लेकिन आपने एक बात मेरी ध्यान से और गौर से सुननी है, अगर आपके पास स्कूल या अदारे होंगे, तो वो उनके पास जो रूटीन से काम आ रहा होता है डेली बेसिस पे, जो उनके टेस्ट हो रहे होते हैं, वो एक आपकी दुकान के खर्चे निकालने के लिए आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन जो इन स्कूलों के पास पेपरों का टाइम आता है, साल में 3 दफ़ा पेपर होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वही पेपर पर आपने ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि वही आपकी ज़्यादा सेविंग होगी, वही आपको बल्क में काम मिलेगा। लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो आपने अपने क्लाइंट के साथ फुल कोऑपरेटिव रहना है, उनके साथ उनको अवेयरनेस देने के, जो सर हम आपको काम करके देंगे, इसमें आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपने ट्यूशन सेंटरों से रब्ता करना है, और अदालत कचहरियों में बैठे हुए जो उनसे वकला हजरात होते हैं, जिनके पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, उनकी फोटोकॉपी का एक बड़ा अंबार होता है करने के लिए, आप उनसे रब्ता करके भी अपने कारोबार में मजीद इजाफा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो मैंने एक मशीन से 4 मशीनें बनाई, वो मशीनें कौन कौन सी थी। उनमें से मैंने 3 फोटोकॉपी की मशीनें ली थी और एक कलर प्रिंटर लिया था। फोटोकॉपी मशीनों को तो आप एक साइड पे कर दें, वो वही काम कर रही हैं जो मैंने पहले मशीन खरीद के काम किया था।
कलर प्रिंटर में आपके चार मार्केटें और ओपन हो रही हैं। वो चार मार्केटें कौन सी होंगी वो आपने काबिले गौर सुनना है। लेकिन जब मैंने कलर प्रिंटर लिया तो मैंने सिर्फ मुझे एक यही आइडिया था कि मैंने इससे स्टूडेंट्स कार्ड बनाने हैं। इससे मुझे ये बेनिफिट हो रहा था कि अगर मैं एक साल स्टूडेंट्स कार्ड बना तो दूसरे साल भी स्कूल वाले मुझसे स्टूडेंट्स कार्ड बनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स कार्ड बनाने के साथ साथ मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं इन बच्चों की तस्वीरें तो बना रहा हूँ स्टूडेंट्स कार्ड बनाने के लिए, तो इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाते हुए मैंने फ़ोटो स्टूडियो का काम भी साथ ही शुरू कर लिया। बच्चों की जो सी पिक्चर्स होती थी उनको मैंने डेवलप करना भी शुरू कर दिया। 9th 10th के बच्चों के मैंने पिक्चर्स डेवलप करके उनको देना शुरू कर दी। और बात यहाँ पे नहीं रुकी, मुझे फ़ोटो स्टूडियो का भी काम मिल गया, स्टूडेंट्स कार्ड का भी काम मिल गया और इसके साथ साथ मुझे कलर प्रिंटिंग का भी काम मिल गया, जिसमें स्कूलों की फेसबुक लेटर हेड और इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो मैंने इस मशीन से बनाया वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप मोटिवेट रहें, डिसहार्ट ना हो। जितनी मेहनत करेंगे वो आपका ही होगा। नौकरी करने के लिए मैं बार बार आप लोगों को इस वजह से मना करता हूँ कि नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आपके मालिक साथ एक दफ़ा आपकी तनख्वाह फिक्स हो जाती है, आप जितनी कमर तोड़ मेहनत कर लें, मालिक आपसे ना तो कभी खुश होता है और ना ही आपको शाबाश देता है। आप ये काम करें, आप अपने घर का किचन हर चीज़ बेहतर तरीके से चला पाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे और मुझे दुआएं भी देंगे। इस मशीन से जो मैंने आपको बोला था कि मैंने साइड बिजनेस जो शुरू किए थे उसमें मैंने नर्सरी फार्मिंग का काम किया था, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा, फुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वो मैंने काम कैसे किया और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। वो एक अलग से टॉपिक होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि नर्सरी फार्मिंग में मैंने कौन सा बिज़नेस किया था और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं है। और इसके साथ मैंने कुछ डिफरेंट कामों में इन्वेस्ट किया हुआ थोड़ा बहुत, जिससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह घर का किचन अच्छे से चल रहा है, मेरे कारोबारी मामला भी अच्छे से चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र करूँ बहुत कम है। अल्लाह ताला ने मुझे इस काम में बहुत इज्जत दी है। दूसरा, इस काम में मुझे जो रिलेशन मिले हैं प्रोफेसर के साथ, टीचर्स के साथ, वकला के साथ, ये मेरे एक अलग बेनिफिट है। और नाजरीन के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जिन स्कूलों के पास अपनी मशीन थी मैंने एक और काम किया है कि उन लोगों को मैंने पेपर सप्लाई का काम देना शुरू कर दिया। यानी कि जो फोटोकॉपी के लिए पेपर यूज़ होता है वही पेपर मैंने उनको देना शुरू कर दिया कि मेरी मार्केट में मज़ीद इजाफा हो। जो स्कूल वाले पेपर बाहर से खरीदते थे, जो काम मेरे पास नहीं भिजवा रहे थे, मैंने उनको भी अपनी मार्केट के अंदर कवर किया। यानी कि मैंने इसके साथ स्टेशनरी का भी काम शुरू करना चाहा, जो कि अभी मैंने नहीं किया, लेकिन आइडिया ये है कि मैं वो भी इसके साथ शुरू कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को ये बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा हो तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। और नाजरीन, एक बात आप लोगों से और शेयर करते चलें कि जो लोग किसी तरह की भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मशीनरी की, पैकिंग मशीन्स की, या इस तरह की को जो सेटअप चला रहे हैं, अगर वो अपने बिज़नेस की प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो इस वक्त जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह आपके बिज़नेस को भी हम प्रमोट करेंगे बहुत सी अच्छी सी स्पेसिफिकेशन डिटेल के साथ बता के, एक अच्छी सी प्रोमो बना के आपके बिज़नेस को प्रमोट करेंगे। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये बिजनेस आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। इसी के साथ अपना मारूफ को इजाज़त दें, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन कंटेंट अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा हकीकत पर मबनी स्टोरीज, बिजनेस, फार्मिंग, इंटरव्यूज से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल देखो पाकिस्तान।